भारत के कई राज्य के अधिकतर शहरों में व्यापार सुचारू ढंग से चल रहा है, किंतु नागपुर का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो रहा है। इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होने पर, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सरकार खुद जिम्मेदार होगी। ऐसी चेतावनी आयोजित पत्र परिषद में सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल इन्होंने दी है। इस मौके पर सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। पूरे कोरोना काल में जिले में पिछले 24 घंटों में पहली बार 3 संक्रमित मिले हैं। यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है, जबकि जिले में आज किसी की मौत नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि शहर धीरे धीरे कोरोना महामारी से दूर हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कोरोना का नाम लेकर शहर का व्यापार चौपट हो रहा है। सुचारू ढंग से व्यापार शुरू नहीं होने से इसका सीधा नुकसान सरकार की तिजोरी पर हो रहा है। लगातार कोरोना को लेकर व्यापार बंद होने से अब जनता के साथ साथ व्यापारी भी कर्जे के बोझ तले तिल तिल मर रहा है। वाणिज्य की पूरी वाट लग चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, सचिव तेजिंदर सिंह रेणु इनके नेतृत्व में तमाम व्यापारियों के साथ पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। पत्र परिषद में दीपेन अग्रवाल इन्होंने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। यदि सरकार अपनी अड़ियल रवैये से बाज नहीं आती है तो व्यापारी हर रोज आंदोलन करेंगे, और इस बीच कानून व्यवस्था चरमरा गई तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। ऐसी चेतावनी अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल इन्होंने पत्र परिषद में दी। एक तरफ कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रशासन काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापार सुचारू ढंग से शुरू होने से व्यापारियों की आर्थिक बदहाली हो रही है। सरकार और व्यापारी इसके बीच सीधा टकराव होता है, तो इसमें सरकार के साथ साथ सभी का बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के यहाँ पे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल आइए, उनसे जानना चाहते कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सरकार को वे कुछ कहना चाहते हैं। आखिरकार व्यापारी कितना खुशहाल जिंदगी जी रहा है इस नागपुर शहर में, क्या कहना चाहोगे? पूरे तरीके से परेशान है, जनता परेशान है, मनमानी हो रही है। नागपुर लेवल 1 में आता है और लेवल 3 के रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जा रहे हैं, ये अब लोग मानने को तैयार नहीं है और लोग इसको सहन करने को तैयार नहीं है। सरकार ने जो फॉर्मूला अनाउंस किया था वो सरकार पूरी नियति से उसको अडॉप्ट करे और नागपुर लेवल 1 में आता है, लेवल 1 के रिस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन लागू करे, ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। और सरकार अगर वैसा नहीं करेगी तो आक्रोशित लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार है, आंदोलित है, एजिटेटेड है, और आने वाले समय में अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो आप थे दीपेन अग्रवाल जिन्होंने बखूबी बेपक के साथ बात करते हुए कहा कि अगर कानून की व्यवस्था यदि बिगड़ जाती है तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है महाविकास आघाड़ी सरकार होगी, क्योंकि व्यापारियों को आए दिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में पूरा व्यापार चौपट होने की कगार में, अगर व्यापार यदि चौपट हुआ तो इसकी बदहाली और आर्थिक नुकसान का जो बोझा गिरेगा वो सरकार के आखिरकार तिजोरी पे ही गिरेगा। इसलिए सरकार समय पे जागे और व्यापारियों के साथ न्याय करे, यही समय की मांग है। पत्रकार क्लब से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।